अरे आ गए आप? हाँ। लव बैग मुझे दो। खाना खाया था? खा लिया था। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो। अच्छा ये बताओ, आज मैंने खाने में क्या बनाया होगा? बिरयानी। बिल्कुल सही बोला, लेकिन उससे पहले ना आपकी चाय बन चुकी है। आज आप थक गए होगे ना ऑफिस में, तो मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है। ये लो चाय। कैसी बनी है चाय? बहुत अच्छी है। अच्छा सुनो, वो ना कल किस्त देनी है, और पापा से जो 4,000 रुपए लिए थे वो भी देने हैं। हाँ दे देंगे। सैलरी तो आ गई होगी तुम्हारी? सैलरी तो अभी नहीं आई है। क्यों, सैलरी क्यों नहीं आई अभी तक तुम्हारी? अब तक तो आ जाती थी। अरे यार वो क्या है कि पिछले महीने 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी ना मेरी, इसकी वजह से 2-3 दिन सैलरी लेट में मिलेगी मुझे। अरे मुझे किस्त देनी है और पापा के पैसे भी तो देने हैं, पता नहीं था क्या तुम्हें? अरे यार मुझे पता है कि तुम्हारी किस्त जानी है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सैलरी नहीं मिली है तो मैं क्या करूं? अरे मुझे क्या, ऑफिस में किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। परसों किस्त भरनी है मुझे और कमेटी के पैसे भी भरने हैं। अगर परसों किस्त नहीं भरी तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, और पेनल्टी क्या तुम्हारी कंपनी भरेगी? यार उनसे बोल देंगे, थोड़ा वेट कर लो। पागल नहीं है वो तुम्हारी तरह, जैसे तुम बोलोगे वैसे करेंगे वो। एक बात बताओ मुझे, तुमने छुट्टी क्यों की थी? यार एक दिन तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा और बाकी के दिन? पता नहीं, शायद उस दिन मेरी आंख नहीं खुली थी, इस वजह से मैं लेट हो गया था। तुम्हें क्यों पता होगा, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। सुनना तो मुझे पड़ता है ना, क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे देनी पड़ती है कमेटी। मैं बोल भी किसको रही हूँ जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन है भी या नहीं है? अरे यार चीख क्यों रही है, क्यों चिल्ला रही है? चाय पीने देगी या नहीं देगी मुझे? पियो, तुम चाय पियो। एक काम करो, मेरी भी चाय ना तुम पी लो। और हाँ, ये जो चाय पी है ना तुमने, इसके बर्तन धो देना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूं जो घर के सारे काम मैं करूंगी। ये लो। अच्छा सुनो, जब तुम्हारी सैलरी आ गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया था, तुम्हारी थोड़ी सी टोन बदल गई तो मैंने भी ड्रामा कंटिन्यू रखा। अच्छा सॉरी, आपको तो पता है ना, अगर कमेटी वालों को टाइम पर पैसा ना दो तो वो कितना चिल्लाते हैं। मतलब अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो तू मेरे ऊपर इतना ही गुस्सा करेगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो ना तुम चल के खाना खा लो। खाना खा लिया मैंने, और खाने के बर्तन और चाय का कप सब धुल दिया मैंने। अच्छा सॉरी ना, और मैंने तुमको सॉरी बोला तो? सही बात है काजल, अगर हम मर्द पैसे ना कमाए तो हम सब बोझ बन जाते हैं। देख काजल, मैं पैसे कमाता हूँ, ला करके मैं तुझको देता हूँ, तू उन पैसों को खर्च करती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मेरा पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचो काजल, हमारे देश में कितने मर्द ऐसे हैं जो सुबह जाते हैं काम के लिए, परदेश चले जाते हैं काम करने के लिए, और वो अगर पैसे नहीं कमा पाते हैं तब तो ऐसे कलेश उनके घर में रोज होते होंगे। देख काजल, ये कड़वा है पर सच है, हम मर्दों की ना कोई वैल्यू नहीं अगर हम पैसे ना कमा कर दें, हमारी कोई औकात भी नहीं है। अच्छा ठीक है ना, सॉरी, इतनी बार तो सॉरी बोल दिया मैंने तुम्हें, अब तो माफ कर दो प्लीज। कोई नहीं, तू खर्च कर ले इन पैसों को। अरे सॉरी बोला तो मैंने। कोई नहीं यार, तू खर्च कर ले इन पैसों को, जिसको देना है दे दो। हेलो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।